चलो बच्चों, अभी तक भी बच्चे नहीं बढ़े हैं, 48 स्टूडेंट ही हैं। सर उसमें रिमूव वाला यूज कर सकते हैं जो आपने सिखाया था कि निकाल दिया शेप यस यस सर, पर उससे उसको क्या भी यूज कर आंसर सकते हैं, मैच नहीं होता। दोनों तरीके से कर सकते हैं, है ना। इनर R1 है, आउटर R2 है। मैं क्या करता हूँ, पहले बेसिक से कर लेता हूँ और फिर रिमूव वाला भी पार्ट कर लेता हूँ। ओके सर, पहले बेसिक से और देन रिमूव वाला पार्ट। ओके, हाँ सर, तो बेसिक्स में क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, आर रेडियस पे dr थिकनेस का ऋतिका बताना, ऐसा ही एलिमेंट लेते थे ना। यस सर। तो एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर dr, इज इट क्लियर। पाई आर लेंथ, dr थिकनेस। ओके, सो डीएम लिखना है, अगर बताओ डीएम कितना लिखेंगे। एरिया इंटू सरफेस मास मास, सरफेस सिग्मा। मास। अरे मैं मीटिंग में वो ज्वाइन कर रहा था इसलिए। क्या हो गया आदित्य जैन, तू इतना लेट ज्वाइन किया यार, तेरे लिए देखो क्लास रोके हुए थे आज 15 मिनट से, बताओ। आदित्य जैन यस सर, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया, थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया आज। बाकी बच्चे नाराज हो रहे हैं। सर आदित्य के लिखना दे, रुक जाओ। पाई इनटू सरफेस मास, जैसे कि कैसे आर लिखे हैं, स्क्वायर टोटल बाय टू टोटल एरिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर और होल डिवाइड बाय टू। बोलो ये सही है एरिया। यस सर। सर तो ये हो गया बच्चों डीएम। करते क्या बच्चों, YCM निकालना है। Y DM का इंक्लिनेशन डिवाइड बाय टोटल मास। तो इस एलिमेंट का वाई क्या लिखो बच्चों, आर स्मॉल आर या कैपिटल आर या कुछ और। कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो पिटाएगा यार, इस रिंग का जो रेडियस है आर, इसका एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 2R/π। 2R/π। ये कर चुका है, तुम लोगों ने मेहनत नहीं किया घर पर, देखा नहीं। बोलो क्लियर। हाँ सर, हाँ सर, पाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट, इस एलिमेंट का ये बच्चों, यही क्लियर, यही 90% क्वेश्चंस का है। यस इनटू सर, डीएन ये पूरा लिख देंगे, ये पाई पाई गया, ये टू पर आर डी आर होल डिवाइड सर बाई। वाई का समझा दीजिए ना फिर से। ठीक है, फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए वाई होता क्या है। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ वाई मास, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट, तो इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, आर है या 2R/π है। बस 2R/π। तो यही पुट कर दिया, 2R/π। बोलो क्लियर। यस सर, सर वो R1 होगा ना, 2R1/π। अरे भैया ये पहला एलिमेंट थोड़ी, ये तो जनरल एलिमेंट लिया है ना आर रेडियस का, ये एलिमेंट है अच्छा, ना दैट हाँ सर, स्टार्ट्स फ्रॉम R1 से R2 हाँ सर, डिवाइड बाय टोटल मास। देखो ये मास चला जाएगा और लिमिट, अब तुम्हारी जो बात है लिमिट। R1 से R2। यस,
ओके तो ये टू और टू बच्चों बाहर, पाई बाहर, ये आर टू माइनस आर वन स्क्वायर बाहर, आर आर और ये डी आर, ओके चलेगा? यस सर, हाँ सर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, आर क्यूब बाई थ्री, आर क्यूब बाई थ्री, तो लिख लो उसको। सो क्या आ जाएगा, फोर बाई पाई बाहर आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, कर लेंगे सर अब, आर क्यू बाई थ्री हो जाएगा 15, और लिमिट पुट कर देता हूँ, डायरेक्टली पुट कर देता हूँ बच्चों, आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब, है ना। अब ये देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, तुम लोग शायद पता होगा, सर इतना ही आंसर है पीछे की, ऊपर तो ऐसे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, मान लो ऐसे कर दिया तो इक्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये ऐसे भी कर सकते हैं। और बच्चों ये देखो, कभी मान लो कि गलती तो नहीं है, चेक करना है, तो क्या करो, आर वन को जीरो पुट कर दो और आर टू को आर, तो हाफ डिस्क का फॉर्मूला आ जाएगा इसमें या इसमें कर सकते हो, है ना। जैसे आर वन को यहाँ जीरो पुट कर दिया, जीरो तो आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब और ये आर स्क्वायर गया, तो फोर आर बाई थ्री पाई आ गया। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। चलो देखो, टफ नहीं था, पेशेंस थोड़ा रखना था। रितिका मिटा दूं क्या? ये साइड वाला रहने दो थोड़ा सा। सर मैंने वो दूसरे फॉर्मूले से किया तो उससे मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, हो सकता है उससे इस फॉर्मेट में आ गया होगा तुम्हारा, उससे भी कर लेते हैं। हाँ सर, इस फॉर्मेट में आ गया। क्या करते हैं, इसको ना दो पार्ट, जो कट करके ले गया ना उसको, उससे मंगा लो और इसको ऐसे दिखा देता हूं। तो ये हो गया बॉडी वन, या बॉडी टू ले लेता हूं इसको, और दिस इज बॉडी वन। इज इट क्लियर? यस सर। वन प्लस टू सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मुझे पता है। हाँ सर, वन प्लस टू क्या है, हाफ डिस्क, और इसका सेंट्रल मास बाय सीएम कितना हो जाएगा, 4r2/3π। यस, 4r2/3π। बच्चों ये बाय सीएम इज इक्वल टू होता है m1/1 प्लस m2/2 डिवाइड बाई, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा ही जाएगा, बाई से मैं आपको पुट कर दूंगे, 4r2/3π दैट इज इक्वल टू, ये m1 प्लस m2 ले लोगे बच्चों, m1 क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर। बोलो कि ये m1 प्लस m2 इतना हो जाएगा कि नहीं, बाय 2 हो जाएगा ना। हाँ सर, m1 कितना हो जाएगा, सिग्मा पाई r2 का स्क्वायर, और y1 हो जाएगा बच्चों 2r1/π। m2 लिखने आता है? यस सर, π2 निकालना है। ओके, यस सर। अब यहां से
वाई टू कितना हो जाएगा ये चेक कर लो, सिग्मा तो कैंसिल होने ही वाला है, अब निकल जाएगा क्या एम टू लिखने आता है ना, एम टू क्या था, अच्छा एक सेकेंड, मैंने एम वन अभी इसको लिख दिया तो इसको वन ले लिया ठीक है ना, और इसको टू लिख लिया, ये फॉर्मूला में ओके यस सर, तो यहां सर ये लेंथी चला जाएगा, हाँ बोलो ये वाला लेंथी चला जाएगा ना, इससे अच्छा पैदा वाला था, हाँ इसलिए मैंने इसमें कैसे किया ज्यादा अच्छा, ये वाला थोड़ा अच्छा सर आपका वो सिस्टम वाला फॉर्मूला ए थ्री में भी यूज कर सकते हैं क्या? ए थ्री में यूज कर सकते हैं, यस ए थ्री में कर सकते हैं, हाँ वैसे ही होता है, इजीली हो जाता है, वैसे ही हुआ सर। चलो उसके बाद ए फोर भी देख लेते हैं, बच्चों एच सी वर्मा का सवाल है, आसान था ये सही, इसमें एक रॉड दिया है, एक और रॉड दिया है बच्चों आइडेंटिकल, लेकिन ये थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, कितना आगे बढ़ाया है, L by 5। एक तीसरा रॉड है इसको और L by 5 आगे बढ़ा दिया, लेकिन फिर चौथा रॉड को कम कर दिया L by 5, और पांचवा रॉड को और कम कर दिया L by 5। सो इनफैक्ट ना इसको पांच रॉड मानोगे, 1 2 3 4 5, 1 और 5 बच्चों एक जैसा है, मान लो इसका मास m, इसका मास m, ऐसा ही है ना, ठीक है मास m, सबका मास m। अब यहां से सेंट्रो मास का कोऑर्डिनेट पूछा, यहां से एक्स कोऑर्डिनेट पूछा, एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स सी एम, इसको इसको एक जैसा ट्रीट कर रहा हूं तो जाएगा 2m, m और m, इसका सेंट्रो मास कहां होगा, m l by 2, l by 2, l by 2, m1 x1 plus 2 और 3 को, 2 और 4 के सॉरी 2 और 4 को, इसका भी मास 2m, l by 2 से l by 2 plus l by 5, बहुत बढ़िया, अब प्लस ये बचा बच्चों ये तीसरा थर्ड एक ही है, m into l by 2 plus 2 times of l by 5 l by 2 l by total mass 5m, this is xm। नितिका यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही आसान सा सवाल सर, ए सिक्स बी इसका वाई सी एम कैसे निकाल, वाई सी एम होगा ही नहीं, वाई सी एम पूछोगे भी तो इसका विड्थ देना पड़ेगा कितना कितना है, और जस्ट मिडिल में होगा, इसके ऊपर 2 इसके नीचे 2, तो ये थर्ड वाले उस पे लाई करेगा है ना सर, सर ए सिक्स भी लीजिए ना सर, ए फाइव में, ए फाइव में आर सी एम निकलना है क्या, ए सिक्स पूछ रही है, ए सिक्स तो बहुत ही आसान है प्रज्ञा, तू कहाँ है सर, आपने करवाया ये, यस सर, ए फाइव में आर सी एम निकालना है क्या, नहीं पीछे देख के मत बोल, आरसीएम सेंट्रो मास का पोजीशन निकालना है, इसमें क्या किया है, ए फाइव में एक डिस्क है और दूसरा डिस्क ऐसे रख दिया है, 2 डिस्क है बच्चों, कितने हैं, डिस्क 1 डिस्क 2, और लार्जर डिस्क का सेंटर से पूछा है, तो देखना है कि इसका मास अगर m है ना तो इसका मास 4m हो जाएगा, साइड रेडियस ट्वाइस है, यस, एक डिस्क
आर रेडियस पे, टू आर रेडियस पे आर रेडियस का हो जाएगा, तो बच्चों इसका मास m, तो इसका मास 4m, क्यों? क्योंकि बड़े वाले का एरिया हो जाएगा पाई इनटू 4r स्क्वायर, इज इट क्लियर? यस सर। तो एक मास यहाँ है और एक मास यहाँ है, सेंट्रो मास का डिस्टेंस पूछेगा, तो देखो यहाँ पे ओरिजिन ले लो, तो इसका सेंट्रो मास हो जाएगा यहाँ से r डिस्टेंस, है ना? तो m into r divide by इसका तो जीरो है, 5m, तो r by 5 बच्चों एक लाइन का आंसर है। फिर कैसे किया, फिर से बताइए, फिर से बता दे। r by 5 वाला एक डिस्क कहां पे, 4m का यहां पे, यहां पे, और दूसरा डिस्क कहां पे, यहां पे है, कितने मास का, m का, ये डिस्टेंस कितना है r, तो यहां से सेंट्रो मास का कोऑर्डिनेट ओरिजिन ले लिया, तो 4m इनटू ओरिजिन लिया 0 प्लस m इनटू r डिवाइड बाय टोटल मास। अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ सर। सर लेकिन RCM ने निकला ना? अरे RCM ने निकला ना? ये RCM है ना? यहाँ से ये डिस्टेंस, सेंट्रो मास का ही तो कोऑर्डिनेट है ना? हाँ सर। और प्राज्ञा ने बहुत इजी सवाल पूछी जो ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, बट वो सिंसियर बच्ची है, पढ़ती नहीं है, सिंसियर किस चीज के? अच्छा ये कुछ लेंथ दे दिया, सपोज एल, लीनियर मास डेंसिटी ऐसा है, तो क्या कहा था बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रहा है, सो वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, सो हमें छोटा सा एलिमेंट लेना होगा, कैसे लेते हैं, एक्स लेंथ पे, क्या बताना है? यस सर। डीएक्स, तो इसका मास लिखना पड़ेगा डीएम, प्रज्ञा डीएम कैसे लिखेंगे, यूनिट लेंथ का मास इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ये हो गया मास ऑफ द एलिमेंट। मुझे निकालना एक्ससीएम, फॉर्मूला प्रज्ञा तुमने सीखा, एक्स इंटू डीएम डिवाइडेड बाय डीएम का इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से पुट करेंगे, जीरो टू एल, टू एल, ये कर लोगे आ जाएगा, ये सारी लेक्चर में लिया था, थोड़ा सा चेंज करके मैंने लिया होगा, मैंने शायद ऐसा लिया लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा नॉट वन प्लस एक्स बाई एल, ऐसे में लेता, तो यही फॉर्मेट है ना, ये तो और थोड़ा देखने में आसान लग रहा है, इजी लग रहा है, मेरा वाला तो थोड़ा डरावना भी था। सो बच्चों सेंटर ऑफ मास निकालने में कॉन्फिडेंस आया क्या? यस सर। सवाल दो चार हो गए बुकलेट से? हो गए सर। यस सर। सारे बच्चों से होना चाहिए, दो चार तो कुछ तो सीखा यार, हर दिन कुछ तो सीखो, कुछ नया सीखो, है ना, एंड डोंट वरी एकदम जेई लेवल तक, एडवांस लेवल तक अभी पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, कुछ बच्चे परेशान होकर कॉल करते हैं सर मेरे से बुकलेट सॉल्व नहीं हो रहा है, सारे सवाल नहीं हो रहे हैं, डोंट वरी, कम से कम इजी वाले सवाल कुछ तो हो रहा है, 20% 30% सवाल करो, सीखते जाओ बच्चों हर लेवल पे, थोड़ा अगर बहुत टफ वाले देख लिया, व्हेन यू विल रिवाइज द थिंग्स, तो वो फिर पूरा चीज याद आएगा, तो बच्चे परेशान नहीं होना है बच्चों, गिव अप नहीं करना है, कीप लर्निंग, लर्न करने का मे बी थोड़ा सा जो स्पीड है वो थोड़ा मे बी स्लो हो, बट रुकना नहीं है, चलते जाना है। अभी हम लोग सेंट्रो मास पढ़ रहे हैं, एक लेवल सेंट्रो मास का आना चाहिए, कुछ तो बेसिक्स आना चाहिए, बहुत टफ नहीं करें, एक्सरसाइज वन के सवाल तो सॉल्व हो जाए, एक्सरसाइज टू ना हो,
ओके तो कोई बच्चों हार नहीं मानेगा, तुम लोग रेजोनाइट्स हो, यू आर रेजोनाइट्स, डोंट गिव अप। और टीचर तुम्हें हमेशा बात करते हैं, इतना कोई टीचर्स नहीं बताता है, इतने प्यार से नहीं बात करते हैं, मैं तो थोड़ा डांटता भी हूँ, बाकी टीचर नहीं डांटते हैं ना? नहीं सर, मैं ही डांटता हूँ ना खड़ूस से सर, आप नहीं डांटते सर, लेकिन प्यार भी तो क्या आया, पहले कितने प्यार से बात करता था शुरू में, अब तो पढ़ते नहीं, आप भी नहीं डांटते। ओके बच्चों, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सेक्शन बी का बी वन हो जाना चाहिए, बी टू भी हो जाना चाहिए, बी वन तो 100% होना चाहिए, सॉरी संडे को टेस्ट है हमारी, बोलो इस संडे को टेस्ट है क्या? टेस्ट मैं ले लूंगा, मैं फिजिक्स का कुछ टेस्ट ले सकता हूँ ना इस वीक, बाकी स्वप्न सर अभी देख रहे हैं मोबाइल टेस्ट, पहले मैं देखता था, अभी स्वप्न सर देख रहे हैं टेस्ट वाले जो भी कोटा से होगा, और जैसे हम लोग वीकली टेस्ट लेते थे ना, तो मैं तुम लोगों का टेस्ट वीकली रखूंगा। सर पार्ट बोलती नहीं है, फिर आज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा ना, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे जो बच्चे कल क्लास नहीं देते उनके लिए, और एसीएम भी बच्चों ये भूलने वाली चीज नहीं है, M1 A1 plus M2 A2 upon M1, जितने भी पार्टिकल्स है ना। और बच्चों एक छोटा सा सवाल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, इस पे मैंने एक सवाल ले लिया था, इस पे ले लेते हैं, पिछला क्लास मैंने फिनिश किया था, और इस पे एक सवाल ले लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, यस सर, फाइन, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए प्लस बी सिस्टम। बच्चों तुम लोगों को पता है कि ए ब्लॉक नीचे जाएगा सपोज ए एक्सेलरेशन से, सो बी ब्लॉक विल गो अप बाय सेम एक्सेलरेशन ए। ये ऐसा क्यों बोले यार, सेम से क्यों जाएगा? इनएक्सटेंसिबल नहीं स्ट्रिंग। क्या बात है, बहुत बढ़िया, इस बैच में तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं यार, मैं बेकार में डांटते रहता हूँ। चलो तो अभी बच्चा
वन अब्सेंट है, थ्री अब्सेंट है और फाइव फोर फाइव सिक्स अब्सेंट है, सिक्स सिक्स कल भी नहीं था, सेवन एट, एट में दो दो है थर्ड बेड से एंड अपेक्षा दोनों का एट नंबर है, देख लो किसका क्या है। सर जी बाय थ्री, जी बाय नाइन माइनस जे कैप। थर्ड बेड से तुम्हारा ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ सीरियल नंबर है, थर्ड बेड से योर सीरियल नंबर इज ट्वेल्व, एक बार ज्वाइन कर लो ट्वेल्थ से, रीनेम कर लो। नाइनटीन गायब है, नाइनटीन कौन है? चारू दत्ता जी नाइन आ रहा है, बहुत बढ़िया, जी बाई नाइन इज द करेक्ट आंसर, एकदम सही है, जी बाई नाइन माइनस जे का नीचे सर, नीचे जी बाई नाइन एकदम सही है। हेत लिंबानी, हेत लिंबानी तुम भी ज्वाइन कर लो अपने सीरियल नंबर से, युग मानेकर का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, हेत लिंबानी ज्वाइन विद द सीरियल नंबर। आयुष गोयल कहाँ रह गया? आयुष गोयल ज्वाइन करता था, आयुष गोयल का कोई दोस्त है? चलो बच्चों ये लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चों कंसेप्ट किसका है, न्यूटन्स लॉ का, है ना। शायद तुम लोगों को मैंने एक शॉर्टकट बताया था इसमें, नेट ड्राइविंग फोर्स वाला कंसेप्ट, टू एम जी चाह रहा है कि ये इधर एक्सेलरेट करे और इसका एम जी चाह रहा है कि ये ऐसे एक्सलेट करे, अपोजिट सेंस में एक्सलेट कराना चाहता है। तो एक शॉर्टकट शायद बताया था, एक्सलेशन जो हो जाएगा नेट ड्राइविंग फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, बोलो ये क्लियर? हाँ सर। और नहीं तो न्यूटन्स लॉ में सिखाया था बहुत इजीली, टू एम जी नीचे टी ऊपर, इसका इक्वेशंस लिखो, इसका इक्वेशंस लिखोगे, इसका लिखोगे 2mg minus t is equal to 2ma और इसका लिखोगे बच्चों t ऊपर minus mg that is equal to ma and add these two, है ना? रितिका क्लियर? सर हो गया था। गायत्री? अब कभी कभी बच्चे ना एसीएम में यही लिख देते हैं जी बाई थ्री, एक ऑप्शन जी बाई थ्री रहेगा, मैं पक्का बता रहा हूँ, जेई मेन में पूछा हुआ सवाल है, ये बच्चे जी बाई थ्री टिक कर देते हैं, नहीं पूछा है एसीएम, एसीएम क्या हो जाएगा टू एम और डाउनवर्ड डायरेक्शन को सपोज निगेटिव लिया तो माइनस जी बाई थ्री बच्चों, और इसका एम इंटू जी बाई थ्री whole divided by 3m, so you will get minus g by 9, minus sign ये बता रहा है कि extension किधर है, g by 9 downward, so बच्चों ये clear क्या? This is your answer. Yes sir. तो एक और सवाल दूं क्या? हाँ sir. यार मैं तो मिटा दिया, लिख लिया था सर, हो गया था।
मुझे निकालना बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाइस डायरेक्शन। ऐसे लिख सकते एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वाई कंपोनेंट, जैसे भी लिखो जो कंफर्टेबल हो। 2g/3 i cap minus g/3 j cap upon 3। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और ये बच्चे सॉल्व करें। टू जी बाय नाइन और जी बाय नाइन। हाँ बोलो सर। टू जी बाय नाइन और जी बाय नाइन। टू जी बाय नाइन, ओके। देखो बच्चों इसका एक्सप्रेशन अगर ए इधर है तो इसका एक्सप्रेशन ए इधर होगा, क्लियर। अभी ए कितना होगा तो मैं शॉर्टकट में लिख दूं क्या बच्चों? ये mg मूव करने वाला है ना, बिकॉज़ 2mg को तो कौन बैलेंस कर लेगा? नॉर्मल नॉर्मल। सो सिर्फ mg है जो मूव करा रहा है ना, एक ही ड्राइविंग फोर्स है। ये मैंने शॉर्टकट बताया था पहले, मुझे नहीं पता कि याद तुम लोगों को बताया कि नहीं। बताया सर, बताया था सर। गुड। तो अब मान लो YCM निकालना है, सॉरी AYCM निकालना है। सो M इंटू G/3 इधर माइनस J कैप में, ठीक है। और इसका तो YCM नहीं है, XCM है ये। तो 2M इंटू 0 बच्चों डिवाइड बाई 3M, G/9 आ गया। और एक सीएम करोगे तो इसका जीरो है, प्लस 2m इंटू G/3 भी इसका भी आई कैप डिवाइड बाई 3m, तो जाएगा 2g/9। ओके यस। चलो मिटा दो इसको। यस सर। सर x सर नीचे जो आंसर आया वो 2g/9 किसका है, x का या y का है? 2g/9 y का है, acm। acm अगर कहोगे तो आ जाएगा 2g/9 i cap प्लस g/9 माइनस j cap। इज इट क्लियर? दिस इज योर आंसर। यस। तो एकदम देखो आसान आसान सा सवाल कर रहे बच्चों, बट ये सवाल आ सकता है जेईई मेन में, इवन बहुत ही आसान है। तो आगे बढ़े। यस सर।
अच्छा एक वेज है एंड दिस इज एट रेस्ट, ये रफ है ना, ये भी रफ। सर थीटा कितना लिखा है, वो ब्लर दिख रहा था। 30 डिग्री थीटा 30 डिग्री। मैं कह दिया कि दिस इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन जी बाई फोर, जी बाई फोर से नीचे जा रहा है। मैं पूछूं बच्चों कि सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, देखते हैं कौन बच्चा सॉल्व करता है। सर मास क्या है, 2 kg 2 kg सर जी बाय 28। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो तुम लोग, जी बाय 8। एक्स डायरेक्शन का पूछा बच्चों, तो सबसे पहले ये m लेते हैं 2 × जी बाय 4 का कंपोनेंट 30 डिग्री। यस सर, है ना। तो मास हो गया 2, इसका एक्सेलरेशन का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, तो g by 4 into 1 by 2 cos 30 कितना होता है, √3/2। कैपिटल m क्या है बच्चों, रेस्ट में है 0 डिवाइड बाय 7। दिस इज axm। बोलो सही सही समझ में आया। यस सर। तो जाएगा √3 जी अपॉन 28। तो नाउ कॉन्फिडेंस आया बच्चों की एसीएम निकालना आ गई है, बॉडी टेक्सेशन या तो भी आ रहेगा या निकालना रहेगा या किस एंगल पे है कर सकते हैं। दिशा चला आर्टिकल अथर्व बेड से, शायद मेरी आवाज नहीं गई थी, अथर्व बेड से के साथ या तो बैठा नहीं होगा, वो मूवी वूवी देख रहा होगा लैपटॉप पे। अथर्व तेरा सीरियल नंबर मैंने बताया 12 है, 12 ज्वाइन विथ योर सीरियल नंबर। देखो अथर्व बेड से का कोई दोस्त है पूछ रहा है कौन सी मूवी देख रहा हूँ लैपटॉप पर। ठीक है सर, मॉनिटर ऑडियो उसका कनेक्टेड नहीं है, फिर भी बेचारा बैठा हुआ है, या ऑडियो कनेक्ट ही नहीं किया होगा। इतना समझाऊं यार तुम लोगों को, आदित्य तुम्हारा सीरियल नंबर 66 है, भावेश का 67, भावेश नहीं है आज, हर्ष पाटिल 68, योर सीरियल नंबर 68। सर भावेश है रविंद्र, 67। क्या भावेश का है 67 है ना। अच्छा हाँ भावेश ज्वाइन है, दिख नहीं रहा था यार अभी। अच्छा हाँ दिख रहा है भावेश, यस भावेश। चलो बच्चों
आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करें। अभी तो बड़ा क्लास में बड़ा स्लो चल रहा है, बहुत स्लो। यस सर। बच्चों ये डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 को टोटल लिख दिया कैपिटल M, टोटल मास चलेगा। इसको इधर लेकर आए। यस सर। यस सर। अब मैं 5 मिनट में थ्योरी बताऊंगा, 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी। रिजल्ट बड़ा इजी होगा लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। इसको बच्चों बोल सकते हैं नेट फोर्स ऑन पार्टिकल वन। यस सर। यस सर। एफ वन नेट। बच्चों इसको क्या बोलेंगे? एफ टू नेट। टू नेट। बहुत बढ़िया, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। अब बच्चों सिस्टम में पार्टिकल वन है और भी पार्टिकल सिस्टम में है बहुत सारा, तो एम वन पे जो नेट फोर्स लगा उसमें कुछ फोर्सेस बच्चों एक्सटर्नल होगा और कुछ फोर्सेस इंटरनल भी हो सकते हैं। Am I right? Yes, sir. तो ये एफ वन नेट में बच्चों क्या है कि वन पार्टिकल पे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन प्लस एफ वन पार्टिकल पे सारे इंटरनल फोर्सेस का समेशन। इज इट क्लियर? या ऐसे लिख देता हूं, ऑल एक्सटर्नल प्लस ऑल इंटरनल। ये दोनों तो मिला के ही होगा ना? यस सर। कुछ प्रूफ करना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। सर इंटरनल तो जीरो होंगे ना? क्या फिर से बोलो? इंटरनल फोर्सेस तो जीरो होंगे ना सिस्टम लेंगे तो? हाँ वही वही प्रूफ करना है, वही प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा okay. समझा देते हैं, तो क्लियर नहीं होगा तो एकदम एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको क्यों जीरो होगा। सर ये जो हाँ. भी फोर्स हम लगाते हैं ये सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेंगे ना? हाँ वो भी चीज डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। कैसा मानेंगे? जस्ट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब एफ वन इंटरनल लिखा है बच्चों, तो वन पार्टिकल पे पार्टिकल टू भी फोर्स लगा रहा होगा, पार्टिकल थ्री भी लगा सकता है, पार्टिकल फोर भी लगा सकता है। तो ये एफ वन इंटरनल में एक फोर्स नहीं है, क्या क्या है? फोर्स ऑन वन बाय टू प्लस फोर्स ऑन वन बाय थ्री प्लस सो ऑन। एम आई राइट बच्चों? सही जा रहा हूं ना? यस सर। एफ वन आगे फोर्सेस F2 भी जब लिखेंगे बच्चों तो इस पे भी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे और इस पे भी इंटरनल फोर्सेस होंगे F2 पे। अब जब F2 का इंटरनल लिखेंगे बच्चों तो F2 पे वन पार्टिकल जो लगाएगा उसको लिखेंगे, F2 पे जो थ्री पार्टिकल लगाएगा उसको लिखेंगे। दिख रहा है यहां तक? यस सर। अच्छा M2 जब M1 पे लगाएगा तो सपोज M12 इधर है, सॉरी F12 इधर है, तो ये जो इस पे लगाएगा बच्चों सेम डायरेक्शन में या कोई डायरेक्शन में? न्यूटन्स थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। तो कैंडी से बच्चों कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों को ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा एडिशन। Yes, sir. मतलब पार्टिकल सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं
कि सारे इंटरनल फोर्सेस को जोड़ेंगे बच्चों तो वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा। और किसी बच्चे ने बताया सर आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ाया था या बच्चे का सेंस भी डेवलप हो गया अभी तक कि सारे इंटरनल फोर्सेस को ऐड करेंगे दैट कम्स आउट एट जीरो। इज इट क्लियर? यस सर। सब पेयर में एग्जिस्ट करेंगे तो जब हम इसको 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 सबको जोड़ेंगे तो वनली सारे एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे बच्चों, इंटरनल फोर्सेस तो जीरो हो जाएंगे। तो जो बच्चा किसी ने बताया से टोटल मास इनटू एसीएम दैट मींस नेट एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा बच्चों, बोलो क्लियर? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोचो कि आज ये सीखा है, मतलब कुछ नया सीखा बच्चों। That means, अगर मैं पूछूं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमें निकालना है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किसी भी सिस्टम का, तो हमें किसको देखना है? ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस को देखना है, एफ एक्सटर्नल डिवाइड बाय एम। एम आई राइट? यस सर। समेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये तो याद कर लेते, बहुत सिंपल है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर निकालना है किसी सिस्टम का तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो होगा वो सिस्टम पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे। दैट मींस सिस्टम का एक्सेलरेशन इंटरनल फोर्स नहीं डिसाइड करेगा, इंटरनल फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंटरनल फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन सेंटर ऑफ मास। बच्चों यहां तक क्लियर? यस सर। तो लिख लो यहां तक, नोट इट डाउन। दैट समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल होगा ना? यस यस, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स कर रहे हैं, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन। ओके सर, नेट एक्सटर्नल। Summation of all external forces. हो गया सर लिख के।
चलो बच्चों लिख लिया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, टाइम होने वाला है क्या? टाइम हो गया क्या, इसलिए निकलना शुरू कर दिया तुम लोग? बहुत जल्दी फटाफट निकल जाते हो, क्लास खत्म तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं। तो अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इजी बट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या डिस्कस किया बच्चों? नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो डिसाइड करेगा कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये क्लियर? इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो बच्चों ये सवाल ऑल्दो ये रोटेशन का है बट तुम्हारे बुकलेट में भी शायद ऐसा सवाल दिया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए। एक रॉड है, दो केस ले लेते हैं। दिस इज केस वन एंड दिस इज केस टू। आइडेंटिकल रॉड है बच्चों, मास m, लेंथ l। अब एक केस में क्या किया है, सेंटर पे फोर्स लगा दिया f, और एक केस में एक एंड पॉइंट पे लगाया फोर्स f। और बच्चों ये पूछा जाए कि ये पॉइंट सपोज यही सेंटर ऑफ मास है ना? यस सर। क्या लग रहा है बच्चों इस पॉइंट का एक्सेलरेशन? मान लो ये पॉइंट को कुछ नाम दे दिया p, ये पॉइंट का नाम दे दिया p। एक्सेलरेशन ऑफ जो पॉइंट p है इन केस 1, p1 लिख रहे हैं या a1 लिख रहा हूं फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में एक्सेलरेशन को a2 लिख रहा हूं। क्या होगा a1 a2 में क्या रिलेशन होगा बच्चों? क्या दोनों सेम होगा या a1 greater होगा या a2 greater होगा? कॉमन सेंस क्या बोल रहा है? a1 greater होगा, a1 greater होगा, a1 greater होगा है ना? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, लोभ में फंसना नहीं है ना, रट्टा मार लिया और फंस गए यार तुम लोग। मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पर डिपेंड करता है? एक्सटर्नल फोर्सेस पे। दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स सेम है या डिफरेंट है? सेम है। सेम है। सेम है। तो इसका सेंटर ऑफ मास सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। सेम होगा। क्यों फंस गए यार? अभी तुम लोगों ने कहा ना सेम होगा, तो आंसर वन इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ये जो मीड पॉइंट है, जो सेंटर है बच्चों, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो होगा वो फोर्स कहां लगा रहे हैं उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। नेट फोर्स कितना है वो उस पर डिपेंड करेगा। नेट फोर्स दोनों में सेम था इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन कहोगे सर व्हाट विल बी द डिफरेंस? मैंने पहले बताया था कि ये कंसेप्ट जो हम डिटेल में पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, इसमें बच्चों ये सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, और इन दैट केस इट विल ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट, है ना? अगर मैं बात करूंगा कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए सेंटर ऑफ मास में, हम जाकर के रोटेशन में डिस्कस करेंगे कि अगर हम इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन में अगर कंपैरिजन करेंगे देन इट विल बी डिफरेंट, बट एज फार एज सेंटर ऑफ मास इज कंसर्न दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। बच्चों कन्विंस्ड और नॉट? यस सर। यस सर।
चलो अभी पांच मिनट भी आगे नहीं पढ़ा और बच्चे 55 से 47 आठ बच्चे निकल लिए। सर मास पे भी डिपेंड नहीं करेगा। अरे दोनों का मास सेम कहा था ना, मास पे तो डिपेंड करेगा, मैंने नहीं दिया आइडेंटिटी होगा अलग तो सर्टेनली। क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? एफ डिवाइड बाय मास, मास ज्यादा होगा एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा। और तुम्हारे बुकलेट में एक सवाल होगा, बुकलेट में ना बड़ा इजी सा सवाल पूछा है कि एक स्फीयर है, एक केस में यहाँ पे फोर्स लगा रहा है और सेंटर आगे जा रहा है ए वन से, और एक केस में सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो।